फ्रेंड्स, तो आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस की टीच में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अब हिंदी विशिष्ट जो कि पेपर आपका ओनली वन बचा था, कुछ लोगों का उर्दू का भी बचा हुआ है। देखिए अब पेपर तो होना हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, कुछ थोड़ा लेट हो, लेकिन पेपर तो होगा मेरे ख्याल से। इसलिए मैंने पहले वीडियो भी नहीं बनाई थी, पार्ट थ्री है, पार्ट वन भी बना दिया था और पार्ट टू बना दिया था। पार्ट वन में मैंने एक मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया था और पार्ट टू में एक क्वेश्चन दिया था जो कि चार अंक में बहुत ही महत्वपूर्ण था, तीन अंक के लिए, ठीक है, तीन अंक के लिए, ठीक है। और इस वीडियो में आपको ओनली एक क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए मेरे पहले मैं इसलिए नहीं बता रहा, देखिए काफ़ी लोग तो यही सोच रहे थे कि पेपर होगा कि नहीं होगा। देखिए अब ये तो होगा कि पेपर तो होना है, बड़ी थोड़ा देर हो, लेकिन पेपर तो आपका होगा, तो आप पढ़ें। और जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ना पढ़ के, आपके भी इच्छा है, लेकिन पेपर पढ़ना जरूर है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़िए, आपका काम है पढ़ना, घर पर बैठकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आराम से पढ़िए। देखिए एक क्वेश्चन बताऊंगा हिंदी विशिष्ट का। देखिए मुझे तो मैं पहले वीडियो वैसे भी नहीं बना रहा था, लेकिन अगर मुझे एक दो कमेंट अगर ऐसे लगे कहाँ ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। वैसे कुछ कमेंट आए भी थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि होगा कि नहीं, लेकिन अब पता चल गया। तो आपको डेली वीडियो अपलोड कराई जाएंगी, पार्ट थ्री या पार्ट वन और पार्ट टू की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही, एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि देखिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन एक अंतर है, आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना होगा। वैसे भी हिंदी में अंतर बहुत कम रहते हैं और ये 12th क्लास में भी हिंदी में पूछा गया था ग्रामर में, तो ये आपको करना ही करना है। वैसे ये 12th क्लास वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट, बट उनका पेपर हो चुका है, जो न्यू तैयारी कर रहे हैं वो ये इंपॉर्टेंट को, इस अंतर को कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा अंतर है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अंतर क्या दिया है। देखिए ये तीन अंक, वैसे तो आपको पता है कि ये जहाँ से ये चार अंक में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और हमेशा इसमें से क्या एक छायावाद का पूछेगा या प्रगतिवाद या फिर भारतेंदु युगीन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है कि कुछ लोग ओनली छायावाद और प्रगतिवाद ही करेंगे, भारतेंदु नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया था। इसलिए मैं आपको सजेशन दूँगा कि ये भारतेंदु युगीन भी आप अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है। देखिए ये NCERT पैटर्न हो चुका, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जरूर नहीं, वैसे आपके बुक में सॉल्यूशन में चार अंतर दिए हैं, तो ये चार नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। आप चार पक्के कर सकते हैं, ये बुक में 12th क्लास की है, मैं उस चीज से बता रहा हूँ। इसमें भाषा सिंपल है, मैंने 10th में भी देखा था, उसमें थोड़ी डिफरेंट भाषा होगी, उसमें एक उसमें क्या प्रमुख कवि के नाम दिए होंगे आप, जैसे रहस्यवाद याद करेंगे, वैसे रहस्यवाद तो आप करेंगे नहीं, छायावाद करेंगे, तो उसके प्रमुख कवि यहाँ लिख देना, एक दो आप बुक में से देख लेना, ठीक है। ये अब ये तीन नंबर में पूछ सकता है, तीन अंतर दे देगा, ठीक है। और या फिर आपको दो कवियों के नाम अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि NCERT पैटर्न हो चुका है, तो आपको जिस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से कर लिए, रहस्यवाद छायावाद में अंतर। इसमें देखिए वैसे तो ये आपको इसी में से आ जाएंगे, छायावाद की आपको डेफिनेशन पूछेगा और इसकी प्रमुख विशेषताएं, छायावाद हुआ, प्रगतिवाद हुआ और प्रयोगवाद, इसमें से ही आपके बुकिंग बहुत साल पिछले बहुत सालों से ये पूछा जा, लेकिन NCERT पैटर्न हो चुका है, तो मैंने बोल दिया आपको ये रहस्यवाद और छायावाद में अंतर भी कर लेना। और इसलिए क्योंकि ये इस बार 12th क्लास में भी आया था, तो इस बार आने की पूरी संभावना है, ठीक है। मैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा, पार्ट वन नहीं देखा देख लीजिए, पार्ट टू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे मैंने, बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो पता है आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।